प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। की कर रहल छियै दीदी? हल्दी साफ कर छियै भैया। आइ सब की सब के खेती कयने छियै दीदी? गेहूँ और मक्का खेती कर देलियै भैया। खेती बाड़ी जे कयने छियै दीदी, ओहिमे कौन कौन से खाद के प्रयोग कयने छियै? हाँ भैया, खेती जे हम केलियै गेहूँ और मकई के, ओहिमे हम यूरिया पोटाश और DAP के प्रयोग ही करलियै ज्यादा, और 15 दिन के बाद जे सिंचाई केलियै ओहोमे हम यूरिया ज्यादा देलियै। रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग कर रहल छियै दीदी? हाँ भैया, रासायनिक खाद के ज्यादा हम प्रयोग करै छियै। चलो दीदी थोड़ा बैठियो। ये रासायनिक खाद यहाँ खरीद के लाबै छियै और खेत में डालै छियै, ऐसे जानै छियै खेत पर की असर पड़ै छै? जी भैया, ई तऽ हम नहि जानै छियै। ऐसे जे फसल उगै छै ओ खेबो करबै दीदी? हमरा तऽ नहिए ने पता चलै रे भैया जे यूरिया डालै से हानि होइ छै, लेकिन ज्यादा पैदावार करै खातिर हम यूरिया डालै रही। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ै छै, जानै छियै दीदी? खेत के स्वास्थ्य के लिए तऽ यहाँ सोचने छियै, यूरिया इतना ज्यादा डालने जा रहल छियै, कभी 1.5 किलो तक, कभी उससे ज्यादा 2 किलो डालने जाय छियै। नहीं भैया, खेत के स्वास्थ्य के तो हम कभी चिंते नहीं केलिए, यूरिया दे से हानिकारक है छे, ने हम ने हमर परिवार के लोग जाने रे, एहि खातिर ज्यादा पैदावार खातिर हम यूरिया दे ले प्रयोग करे रही। भैया हमें तो ज्यादा पैदावार करे खातिर हम यूरिया खाद प्रयोग करे छी, अगर अहाँ के पता ये जे यूरिया नहीं दे के दोसर खाद देते उससे स्वास्थ्य भी बढ़िया रहते, तो हमरा ओकरा बारे में बताबू। तरीका जाने छे ओ यहाँ के बता दी छे, ओकर नाम छे मटका खाद। ठीक है भैया, तो हमरा बतबू उस खाद के बारे में। यूरिया खाद के लिए दीदी 7 से 10 दिन पहले यहाँ सोचे छे ना, खरीद के लाबे पड़ते मार्केट से, तो वही सामान जो है से यो खाद के अपना जो है से 7 से 10 दिन पहले बनबे पड़ते। ई खाद जो है दीदी ये कोनो रासायनिक खाद नहीं छे दीदी, ई जो है से जैविक खाद छे। ई खाद अगर खेत में यहाँ डालबे बना के दीदी, ऐसे खेत पर भी और अपना स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ते दीदी। भैया यहाँ एक खाद के बारे में बतबै छियै, तो हमरा यूरियो तो नहीं है कि नहीं पड़ते, पैसों बचते, ऐसा हमर खेतो स्वस्थ रहते, हमर बालो बच्चा स्वस्थ रहते, परिवारो स्वस्थ। वह हमरा खाद के बारे में बतबै। काल जे छै से दीदी हम बनेबै यहाँ आइबे बतबै। ठीक छै दीदी, तो अब हम चलै छियै दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, आइए आइए बैठिए, अभी तो आपका ही इंतज़ार हम कर रहे थे, वही मटका खाद बनाने जा रहे हैं। बैठिए दीदी बैठिए। मटका खाद बनबे के लिए दीदी कुछ सामग्री लागे छे, उ सब हम एक एक करके बता रहल छी। 250 ग्राम गुड़ छी दीदी। 250 ग्राम गुड़ छे भैया? हाँ दीदी। 5 किलो देसी गाय के गोबर छी दीदी। गोबर देसी गाय के छे? हाँ दीदी। 5 केजी छे जी। 5 लीटर देसी गाय के पेशाब छे दीदी। देसी गाय के छे जी? 5 लीटर छे जी। 5 लीटर पानी भी लागे छे दीदी। पानी लागे छे जी। एकरा मिलाबे के लिए एक डंटा भी लागे छे दीदी। मिट्टी के बर्तन नहीं रहने पर दीदी तो ये जैसे प्लास्टिक के बाल्टीन के उपयोग कर सके छे। भैया मिट्टी के मटका नहीं रहे के बाद ये बाल्टी प्लास्टिक के बाल्टी के भी प्रयोग कर सके छे? हाँ, जे में मुन्ना रहे। हाँ दीदी। हाँ दीदी। आ नहीं तो मटको एक जरूरी पड़े, मटको में मुन्ना चाहिए जी। प्लास्टिक के बाल्टीन के इस्तेमाल करबे दीदी, ये देखे छे दीदी ये जे छे सकर ढक्कन छे दीदी। ठीक छे जी। 250 ग्राम गुड़ जे छे दीदी, एकरा 5 लीटर पानी में हम घुला रहल छे। हमरा मिलाए देबे जी। गुड़ के तो हम हाथे से मिल लिए आई, गोबर के छे दीदी। हाँ। हमें 5 लीटर गौमूत्र में। हाँ। मिलेबे दीदी। आई में गोबर का मिलाए देबे जी हाथे से? नहीं दीदी, एकरा छे से डंटा से मिलेबे। डंटा से मिलेबे? या मिल गेले दीदी। आप जे छे से मीठा जे घोर लिए 5 लीटर पानी में जी भैया, आई में डाल देना। हाँ, मिलाए देबे जी। हाँ। मिलाए की करो भैया? एकरा से फिर मिलेबे दीदी। ये तो प्लास्टिक के बाल्टीन छे दीदी, ये अच्छा से ढका गेले दीदी। अकरा जगह पर अगर मिट्टी के बर्तन रहते दीदी तो ओकरा छे से ऊपर से छे से अच्छा से मिट्टी के लेप से हम लेप देबे, जैसे कि गैस ओकर जे बनते
नहीं निकलते दीदी। आब तो हम ही समझ गए। हाँ दीदी, खाद भए गए। आब एकरा की करना छे? आब दीदी एकरा की करना छे, सात से दस दिन दीदी एकरा छायादार जगह में ढक के रखना छे, तब खादी तैयार भए जेतै दीदी। सात दिन के बाद जी खाद तो भैया आब बन गए। हाँ, अभी खाद जे छे हम खेत में देबे तो ऐसा की सब फायदा हेतै से हमरा बतेबै। एकर उपयोग कयने से जे छे से दू फायदा छे। एक फायदा फसल जे छे ओ भी गुणवत्ता ओकर बढ़े छे। दोसर फायदा छे दीदी, एकर उपयोग कयने से भूमि मित जे छे जीवाणु ओ नष्ट नहि होइ छे और वृद्धि करे छे। यही फायदा छे दीदी, ओ वृद्धि करने से दीदी पैदावार और बढ़े छे ओ खाद से। हाँ दीदी, चलो दीदी आब एकरा सात से दस दिन के लिए छायादार जगह में रख देबे। छायादार में रखो? हाँ दीदी, चलो दीदी देखै छी दीदी एकरा आब सात दिन के लिए छायादार जगह में जे छै से एकरा ढक के रख देना छै दीदी। बोरा से ढक देना? हाँ, जूट के बोरा से दीदी ढक के रख देना छै। कै दिन के लिए भैया? सात से दस दिन के लिए से। ओकर बाद ही खाद बोइबे? ओकर बाद जे एकरा उपयोग करना छै दीदी। दीदी ई तो सबसे सस्ता खाद छे, ई बनबे में ज्यादा मेहनतो छे दीदी? नहीं भैया, ज्यादा मेहनत नहीं छे, बहुत आसान छे। एक बीघा खेत के जो स्प्रे करबे दीदी एकरा लेल जे छे से 200 लीटर के ड्राम लागते दीदी। जी भैया। ओमे 150 लीटर पानी चाहिए और 50 लीटर मटका खाद चाहिए। दोनों के डाल मिलाए के 30 मिनट तक ओकरा मिलेनाय छे। 30 मिनट तक ओकरा मिलेनाय छे ड्राम में? जी। ओकर बाद जे छे ऐसे स्प्रे कर लेना छे। हमे समझ गेलिए भैया, एक बीघा खेत के लिए जे 200 लीटर ड्राम मंगेनाय छे ओमे 150 लीटर पानी देनाय छे और 50 लीटर ई मटका खाद मिलेनाय छे, ओकरा 30 मिनट तक मिलाए के तकर बाद स्प्रे कर देनाय छे। समझ गेलिए दीदी? हाँ समझ गेलिए भैया। ठीक छे दीदी, आय खाद से एक फसल पर 3 बार छिड़काव करना छे। एक बार पहला बार जे छे से बोने से 2 दिन पहले, ठीक छे? आ दूसरा जे 50 से 60 दिन के बाद फिर एकरा में करना छे। आ तीसरा छिड़काव जे छे से जब फूल आवे जेते ओकर बाद जे छे छिड़काव कर देना छे, फूल पकड़ देना छे। हाँ दीदी ठीक, समझ गेलिए दीदी? समझ गेलिए भैया। ठीक छे, बतैयो दीदी कब कब प्रयोग करबे? जब जब हम बुआई करै छियै खेत में हम देखते छियै नमी छै। ठीक, नमी बुआई से 2 दिन पहले छिड़काव करबे। ठीक, दोसर छिड़काव 50 से 60 दिन में। तीसरा छिड़काव जे करबे भैया गमरा आ जेतै तब करबे। मटका खाद में दीदी 3 बात पर ध्यान राखे पड़े छै। जी, पहला छै 7 दिन के अंदर के गौमूत्र और गौ के गोबर होना छै। जी, आ दोसर छै स्प्रे जे अहाँ करबे दीदी तो खेत में नमी हो रहना जरूरी छे। आ तेसर छे खाद बनेलिए तो ओकर 3 दिन के बाद स्प्रे कर लेना छे, 3 दिन से बेसी दिन के नहीं करना छे, अंदर ही में कर लेना छे। ठीक छे। आप जे दीदी भैया तो आप समूह में जेबे, समूह अथी भीओ में जेबे, भीओ के दीदी का भी बतेबे जे दीदी मटका खाद बनेबे और मटका खाद बना के यहाँ खेत में छिड़काव करबे ऐसे अहाँ के बहुत लाभ हैत, बहुत फायदा हैत। ठीक छे दीदी, सब दीदी के बता देबे। और भीओ में तो हर हमेशा लेन देन के बात चले छे, अब की बारी मटका खाद के बारे में बतेबे और ओकरा कहबे बहुत फायदा है। भैया ई जहाँ बतेलिए मटका खाद के बारे में एक लिए अहाँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।